हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। ये ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे अभी डिज्नीलैंड लगा हुआ है, तो यहीं हम लोग आए हैं घूमने के लिए। तो ये मेरे होम टाउन जहाँ पे है वहीं पे लगा हुआ है, नवादा में। तो ये कुछ बाहर से इस तरह का व्यू है। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेडियम है एंड वहीं पर लगा हुआ है मेला। तो ये आधे स्टेडियम में लगा हुआ है मेला एंड आधे ऐसे ही आप लोग देख रहे हैं एंड यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। तो ये कुछ इस तरह है इसका बाहर से नज़ारा एंड अंदर अभी हम लोग नहीं गए हैं। तो इस साइड आप लोग देख सकते हैं बाइक पार्किंग है, यहाँ पे बाइक पार्किंग पार्क किया जाता है एंड इसको सेफली रखा जाता है यहाँ पे। तो ये है मेरी क्यूट सी डॉटर एंड छोटी सिस्टर। तो हम लोग पूरे फैमिली साथ में आए हुए हैं घूमने के लिए। तो बहुत दिनों के बाद ये मेला लगा है, 3-4 साल के बाद लगा है शायद। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। तो अभी हम लोग बहुत दूर में यहाँ बाहर खड़े हैं, उसके बाद जाएंगे अंदर। तो यहाँ पे टिकट वगैरह लगता है तो उसको लेकर अंदर जाना होता है। तो अभी जा रहे हैं हम लोग। तो अभी हम लोग गेट के पास आ चुके हैं एंड जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है एंड यहाँ पे सामने लिखा हुआ है टिकट घर, यहाँ से टिकट लिया जाता है एंड उसके बाद एंट्री मिलती है अंदर जाने की। एंड सामने आप लोग देख रहे हैं प्रवेश द्वार लिखा हुआ है, तो यहीं से अंदर जाना है। तो ये कुछ बाहर का व्यू इस तरह से है। तो अभी यहाँ पे हम लोग खड़े हैं बाहर में, टिकट लाने गए हैं, उसके बाद जाएँगे अंदर। तो अभी मैं और मेरी मम्मी, दोनों सिस्टर, मेरी डॉटर सब लोग आए हुए हैं घूमने के लिए। तो ये जो मेला है ये हर एक साल लगता था बट अभी कोविड की वजह से 2-3 साल बाद लगा है। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है इतने दिनों के बाद लगाया एंड ये जो मेला है ये 2-3 महीने तक रहती है। तो अभी तो शायद 10-15 दिन हुआ है लगे हुए। तो टिकट मिल चुकी है एंड हम लोग अभी लाइन में लगे हुए हैं। इंट्री करने के लिए यहाँ पे 10 रुपये की टिकट लगती है एंड जितने लोग रहते हैं 10-10 रुपये की टिकट लेकर हम लोग अंदर आ चुके हैं एंड अंदर से कुछ इस तरह का व्यू है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे शॉप लगे हुए हैं। तो सामने आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लकड़ी का बना हुआ है सारा कुछ। तो इसके जस्ट बगल में यहाँ पे अचार का शॉप है एंड बहुत सारे यहाँ पे वैरायटी है अचार के, जितनी तरह के बहुत सारे तरह के अचार हैं यहाँ पे एंड चिप्स वगैरह हैं। तो इस तरह से शॉप लगी हुई है यहाँ पे, तो मैं एक एक करके दिखाते जाऊँगी आप लोगों को। एंड यहाँ पे इयररिंग्स की काफ़ी अच्छी अच्छी कलेक्शन थी एंड बहुत सारी चीज़ें इस शॉप पे मिल रही थी। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये बिहार के एक ज़िला है नवादा ज़िला, वहीं पे ये मेला लगा हुआ है। जो भी नवादा के होंगे उन लोगों को पता होगा। तो वो लोग अगर इस वीडियो को देखते हैं तो जिनको नहीं पता है वो जा सकते हैं घूमने के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे अचार के शॉप बहुत सारे थे एंड चिप्स वगैरह के लगे हुए एंड ये लोग सब बाहर से आए हुए थे, लोकल बिल्कुल भी नहीं थे, सब लोग बाहर से आए हुए थे, उनका खुद का शॉप था, वही लोग यहाँ पे सब कुछ बेच रहे थे। तो इसके सामने वाले शॉप में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कप ट्रे वगैरह किचन का जो भी सामान होता है वो मिल रहा था। तो इसी तरह से हम लोग घूम रहे थे एंड वीडियो बना रहे थे। तो यहाँ पर लकड़ी से कुछ बना हुआ था गिफ्ट वगैरह, काफ़ी अच्छी अच्छी गिफ्ट थी एंड रिंग्स बना के दे रहे थे यहाँ पे। तो इस तरह का रिंग है एंड उस पर नाम वगैरह जिसको लिखवाना था वो बना कर दे रहे थे। तो यहाँ पे लिखा हुआ था 2 मिनट में आपको रिंग मिल जाएगा बनकर। एंड जस्ट बगल में यहाँ पे बैंगल्स स्टोर है, काफ़ी सारे बैंगल्स थे यहाँ पे और काफ़ी अच्छी अच्छी बैंगल्स भी थी। तो यहाँ पर देख रहे थे हम लोग अभी कि कैसा है नहीं है। एंड इसके सामने वाले शॉप पे बहुत ही क्यूट क्यूट से टेडी बियर्स थे, काफ़ी ज़्यादा टॉय थे यहाँ पे। तो मैं दिखाती हूँ इसको, काफ़ी क्यूट से टेडी बियर्स थे एंड डॉल, काफ़ी अच्छी अच्छी डॉल्स थी यहाँ पे। तो बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा टॉयज थे यहाँ पे क्योंकि मेला वगैरह में बच्चे लोग ज़्यादा खिलौने वगैरह लेते हैं। तो काफ़ी अच्छी अच्छी खिलौने थी इस शॉप पर। तो आप लोग देख सकते हैं टेडी बियर्स, डॉल्स एंड बहुत सारी चीज़ें थी काफ़ी अच्छी अच्छी एंड टेडी बियर तो काफ़ी क्यूट क्यूट से थे। तो पूरे इसी तरह से मार्केट लगा हुआ था लाइन से, बहुत ही अच्छी तरह से शॉप को सजा कर रखे हुए थे सारे लोग। भैया गुड़िया कितने की? ये वाली ये वाली 200।
नेक्स्ट शॉप पे यहाँ पे बर्तन वगैरह मिल रहे थे, किचन का जितना भी सामान होता है सारा कुछ था यहाँ पे अवेलेबल। एंड यहाँ पे प्राइस भी फिक्स था, 50 रुपीज़, 60 रुपीज़ या 100 रुपीज़ की, तो इस तरह से वो लोग रेट रखे हुए थे सब। इतने सालों के बाद यहाँ पे मेला लगा हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तो इस वाले शॉप पे काफ़ी अच्छे अच्छे फुटवेयर्स लगे हुए थे एंड यहाँ पे सेल लिखा हुआ था 200 रुपये 150 रुपये की, तो काफ़ी अच्छे अच्छे फुटवेयर्स थी, जूती थी एंड जिसको लेना था ले रहा था, तो बहुत सारे कलेक्शन थे यहाँ पे। तो इसके सामने वाले फिर शॉप पे बबल जो होता है बैलून शूटर वो था एंड इसी तरह से शॉप लगे हुए थे, बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी, इयररिंग्स रिंग्स बैग वगैरह सेट सब कुछ मिल रहा था यहाँ पे, जिसको जो लेना था सारा कुछ मिल रहा था। बट प्राइस थोड़ी सी हाई थी यहाँ पे, रेंज थोड़ा सा हाई था क्योंकि मार्केट के मुकाबले यहाँ पे कुछ पैसे ज़्यादा ले रहे थे वो लोग। तो अब मार्केट ख़त्म हो चुकी है, पूरा मार्केट हम लोग घूम लिए एंड जो लेना था ले लिए। उसके बाद हम लोग आ चुके हैं झूले की तरफ, तो यहाँ पे बहुत सारे झूले लगे हुए थे, जो भी बहुत सारे झूले थे एंड बच्चों के लिए बहुत सारे झूले थे, तो यहाँ पे बच्चे लोग झूल रहे थे। तो अभी मेरी बहन यहाँ पे मेरी डॉटर को बैठा रही थी झूले पे, बट उसको झूला नहीं झूलना था, उसको डर लग रहा था, फिर भी किसी तरह से बैठाती है एंड वो रोने लगती है तो उसको तुरंत उतारना पड़ता है उसे, तो उसको झूला नहीं पसंद है क्योंकि पहली बार बैठ रही है तो उसको पता नहीं है। तो अभी यहाँ पे मेरी दोनों बहन एंड मेरे हस्बैंड अभी जा रहे हैं बोट पे झूला झूलने के लिए। मैं नहीं गई क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, मेरा बहुत मन कर रहा था झूला झूलने का बट मैं नहीं जा पाई, तो मैं बाहर से ही देख रही थी एंड वीडियो बना रही थी। तो अभी वो लोग झूला पे बैठ चुकी है एंड जब पूरा फुल हो जाएगा सीट उसके बाद स्टार्ट होगा झूला। तो यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े झूले थे सबके प्राइस फिक्स थे, 50 रुपीज़ लग रहे थे झूला झूलने के। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे झूला झूलने के लिए एंड सब लोग नंबर में लगे हुए रहते थे एंड टिकट लेने के बाद सीट तुरंत फुल हो जाता था, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है एंड बहुत सारे लोग हैं एंड झूला भी बहुत ज़्यादा है, तो सब लोग झूला झूल रहे हैं एंड जिसको जो खाना था खा रहे हैं, खाने के भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रही थी। तो बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा झूले थे लगे हुए,
तो जो भी इधर लोकल अगर कोई है तो वो लोग आकर यहाँ पर देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था मेला घूमने में। एंड ये वाली जो है डिज्नीलैंड बहुत सारी जगह पे लगती है, तो यहाँ भी हर साल लगती थी बट अभी 2-3 सालों के बाद लगी है, तो इसलिए भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। तो सामने आप लोग देख रहे हैं इसको बोला जाता है मौत का कुआं, जहाँ पे गाड़ी को गोल गोल घुमाया जाता है ऊपर तक, तो वही वाला है। तो उसमें नहीं गए थे हम लोग। एंड यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत सारे झूले थे। तो अभी नाइट का टाइम है, 9 बज रहा था, तो 9 बजे भी आप लोग देख सकते हैं भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। तो रात के टाइम ही मेला स्टार्ट होता है, क्योंकि दिन में बहुत कम ही लोग आते हैं घूमने के लिए, क्योंकि दिन में घूमने में मज़ा नहीं आता है। रात में लाइट वगैरह जलती है तो काफ़ी अच्छी लगती है देखने में, तो इसलिए सब लोग रात में ही आते हैं। एंड सब लोग लोकल ही हैं तो रात में ही आ जाते हैं, दिन में बहुत ही कम लोग आते हैं। दिन में तो हम लोग कभी आए नहीं, तो पता नहीं है भीड़ रहती या फिर नहीं। तो झूला वूला झूलने के बाद यहाँ पे फिर से हम लोग वापस जा रहे हैं। तो यहाँ पे मार्केट है, किचन का मिल रहा था सारा सामान, ट्रे बॉल वगैरह कप ये सब था। तो उसके बाद ये वाली शॉप है, यहाँ पे बैंगल्स काफ़ी अच्छी अच्छी मिल रही थी, तो वही हम लोग देख रहे थे यहाँ पे लेने के लिए। तो कुछ बैंगल्स अच्छे लगे तो 1-2 हम लोग लिए थे। उसके बाद फिर यहाँ से निकल चुके थे एंड लेट भी हो गया था काफ़ी ज़्यादा, 10 बज गया था, तो अब घर भी जाना था। तो यहाँ पे मेरी क्यूटी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही थी, एक खिलौना ले ली। ये खिलौने से खेलती नहीं है तो इसलिए ज़्यादा खिलौना लेती नहीं है। ये भी इसको ज़बरदस्ती दिलाया गया है तो ये हाथ में रखी है। तो इस वाले शॉप पे लकड़ी के बने हुए चीज़ें थी, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें होम डेकोरेट के लिए एंड बैंगल्स वगैरह रखने के लिए, बैंगल्स स्टोर करने के लिए था। तो यहाँ पे अब हम लोग घर जाने के लिए निकल चुके हैं, तो यहाँ से हम लोग घर जाएंगे। घर नहीं, अभी भूख लगी है तो कुछ खाने के लिए जाएंगे होटल। मेले में हम लोग ज़्यादा चीज़ें नहीं खाए थे, थोड़ी थोड़ी कुछ खाए थे, तो अभी भूख लगी है तो यहाँ पर मेन्यू देख रहे हैं। तो मेन्यू देखने के बाद अभी कुछ खाना ऑर्डर करेंगे। तो हम लोग वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन फूड ही ऑर्डर करेंगे। तो यहाँ पे हल्का फुल्का कुछ खाने के बाद घर जाएंगे, क्योंकि लेट काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। क्या पी रही है परी? क्या पी रही है? जूस। तो परी यहाँ पे जूस पी रही है, अभी खाना नहीं आया है तो ये जूस पीने में लगी हुई है। तो हम लोग मेले को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किए, सबसे ज़्यादा परी इंजॉय किए मेले में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वाली ब्लॉग कैसे लगी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। एंड जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को ही दबाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।